हेलो एवरीवन, मैं हूं ओएस और आप देख रहे हैं टीच टेक सॉफ्ट चैनल। और आज से हम ऑटोकैड 2022 की बिगनिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने ऑटोकैड 2022 ऑलरेडी खोल लिया है। आपको जैसा दिख रहा है, ये इंटरफेस है 2022 ऑटोकैड का। अगर आपके पास पुराना है तो आप वर्क कर सकते हैं। कमांड सेम है, थोड़े बहुत अपडेट हैं, वो हम बाद में बात कर लेंगे। और अगर आपको ये ऑटोकैड 2022 डाउनलोड करना है तो आप ऑटोडेस्क पे जाके अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना के डाउनलोड कर सकते हैं। कम्प्लीटली फ्री है स्टूडेंट्स के लिए, 3 साल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस लिए यूज़ किया जाता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए, 2D एंड 3D ब्लू प्रिंट बनाने के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, सिविल वर्क बना वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। जैसा आप देख रहे हैं रिबन में, सबसे पहले ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022 की मैंने ड्राइंग नंबर 1 खोल ली है, आप खोल सकते हैं। उसके बाद नीचे रिबन में आपको मेनू बार देखेगा, इसमें होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामेट्रिक व्यू एंड सो ऑन। उसके बाद आपको कमांड दिखेंगे जिस आप वर्क स्पेस में वर्क करेंगे। लाइक मुझे अभी सिंपली 2D में वर्क करना है, तो उसके लिए आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन खोलेंगे वर्क स्पेस स्विचिंग से। ये नीचे एक बार होता है जिसमें कुछ कमांड है, इसके लिए अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको देखेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, 3D बेसिक्स है, 3D मॉडलिंग है। अगर आपको 2D में वर्क करना है तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर क्लिक करें। अगर आपको 3D मॉडल बनाने हैं, 3D ड्राइंग बनानी है, कोई भी लाइक इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, आप 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग पर क्लिक करें। 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ कमांड्स का फर्क पड़ता है बस। तो अभी हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह का हमें शीट मिल जाएगी ड्राइंग वन के लिए। इसमें नीचे लेआउट होती है, दो लेआउट, लेआउट 1 एंड लेआउट 2। अभी हम फर्स्ट मॉडल पर काम कर रहे हैं और 2D वायर फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं। और इस साइड होता है WCS, आइसोमेट्रिक व्यू पर अगर आपको कोई भी ड्राइंग देखनी हो। और इस साइड होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। बिकॉज अभी हम काम करेंगे 2D वर्क के लिए, तो अभी हमें दो ही एक्सेस की ज़रूरत है। अगर हम 3D पर वर्क करेंगे तो हमें जेड एक्सेस की भी ज़रूरत होगी। और नीचे कुछ बार हैं, इसमें कुछ कमांड है। तो अभी हमें खाली डिस्प्ले और ग्रिड मोड की ज़रूरत है, तो इसको ओपन कर लें, डायनामिक मोड को ओपन कर लें और ऑब्जेक्ट स्नैप को ओपन कर लें और किस यूनिट पर आप बना रहे हैं, इंचेस में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। उसके बाद आप कमांड दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट टाइप करेंगे, यूनिट क्लिक करें। उसके बाद ये आपको पॉप मैसेज मिलेगा, इसमें आप देख सकते हैं टाइप है, लेंथ टाइप। मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनानी है अभी, तो मैंने इंजीनियरिंग पे क्लिक करके, अगर आपको आर्किटेक्चर वर्क करना है तो इस पर क्लिक करें, डेसिमल में वर्क करना है डेसिमल पे क्लिक करें, फ्रैक्शनल एंड सेट। सो अभी अब वर्क करेंगे इंजीनियरिंग क्लास पे। प्रेसिशन 0 रहता है इसके लिए डिफॉल्ट। मुझे इंचेस पे काम करना है तो मैंने इंचेस पे क्लिक कर रखा है, और फिट पे काम करना है, फिट पे, मिलीमीटर पे, सेंटीमीटर पे, आप किसी पे भी ले सकते हैं। तो इस पे क्लिक कर लें आप, ओके बटन पे। तो साइज बढ़ाना है इस बॉक्स का, पिक बॉक्स बोलते हैं इसको। तो आप लेफ्ट क्लिक करें माउस पे और ऑप्शन पे क्लिक करें, इसमें जाके आप सिलेक्शन पैनल में पिक बॉक्स साइज बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको बढ़ाना है, मेरे लिए इतना सही है। क्रिप साइज बढ़ानी है तो आप क्रिप साइज पे बढ़ा सकते हैं, जो लाइन में होती है। देखें आप इसको क्लिक करें, अप्लाई करें, ओके। साइज इसकी बढ़ गई है। और एक बार और करके देखते हैं, एक बॉक्स छोटा करना, बड़ा करना है आपको। देखें बॉक्स छोटा हो गया, तो मुझे बड़ा ही चाहिए, तो मैं इसको बॉक्स को, पिक बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अपना सही है। अप्लाई करता हूँ इसको,
ओके करता हूँ। अब बात करते हैं ड्रॉ टूल बार में लाइन कमांड्स की, पॉलीलाइन की, सर्कल की, आर्क की और रेक्टेंगल की। सबसे पहले मैं लाइन कमांड लेता हूँ, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप ड्राइंग शीट पर जाके कहीं भी क्लिक करें अगर आपको लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर जाके कहीं भी क्लिक करें तो एक लाइन बन जाएगी आपकी। अगर आपको किसी लेंथ पता है लाइन की तो आप क्लिक करें, एक पॉइंट पे लाइन डालें लाइक 10। उसके बाद एस्केप कर लें अगर आपको ये सिंपल एक लाइन चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कुछ वर्क करना है तो उसके बाद आप इसमें लाइन डालते जाएं और जहाँ पे भी आपको इसको बंद करना है, इस कमांड को एस्केप बटन पे क्लिक करें। कोई भी कमांड को आपको वहीं रोकना है, बंद करना है, उसके बाद एस्केप बोर्ड पे जाकर बटन पे क्लिक करें तो ये यहीं पे बंद हो जाए। अगर फिर देखें आप तो ये एक एंकल या इंक्लाइन लाइन बन रही है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। मुझे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए तो नीचे आपको एक बार दिख रहा है, उसमें जाके आप ऑर्थो मोड ओपन कर लें। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रही है। उसके बाद आप वैल्यू डालें लाइक 10, 10, 10, 10, एंटर और एस्केप तो एक स्क्वायर बन गया। अगर आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है इससे तो सिंपल 10x20 का 10। उसके बाद आप ऊपर कहीं भी जाके कर्सर को या सिलेक्शन पैनल को अपने ले जा सकते हैं। उसके बाद वैल्यू डालें 20, हमें क्योंकि 10x20 का रेक्टेंगल बनाना है। एंटर करें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। उसके बाद कहीं पे भी जाके आप इस साइड में फिर से 10 डालें, वैल्यू लेंथ ऑफ दिस लाइन, एंटर, उसके बाद मिला लें तो आपका एक ये रेक्टेंगल बन गया 10x20। अब बात करते हैं पॉली लाइन की। लाइन और पॉली लाइन में फर्क क्या है, पहले हम पॉली लाइन की बात करते हैं। ये भी लाइन की तरह ही काम करती है, बस इसमें यह है ये जॉइनिंग कंप्लीट एक एन, एंटर और एस्केप तो एक स्क्वायर बन गया। अगर आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है इससे तो सिंपल 10x20 का 10। उसके बाद आप ऊपर कहीं भी जाके कर्सर को या सिलेक्शन पैनल को अपने ले जा सकते हैं। उसके बाद वैल्यू डालें 20, हमें क्योंकि 10x20 का रेक्टेंगल बनाना है। एंटर करें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। उसके बाद कहीं पे भी जाके आप इस साइड में फिर से 10 डालें, वैल्यू लेंथ ऑफ दिस लाइन, एंटर, उसके बाद मिला लें तो आपका एक ये रेक्टेंगल बन गया 10x20। अब बात करते हैं पॉली लाइन की। लाइन और पॉली लाइन में फर्क क्या है, पहले हम पॉली लाइन की बात करते हैं। ये भी लाइन की तरह ही काम करती है, बस इसमें यह है ये जॉइनिंग कंप्लीट एक बॉक्स बना के देगी आपको या कोई भी ऑब्जेक्ट बना के देगी। आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी इस पे क्लिक करें और सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 10x20 का हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, बन गया, एस्केप करें। अब मैं चाह रहा हूं खाली में एक जगह सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकूं तो मैं मूव कमांड लूंगा मॉडिफाई में से, सेलेक्ट करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, मैं चाह रहा हूं ये पूरा सेलेक्ट हो जाए। अगर मैं इस लाइन पे उसे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ,
और उसके बाद कोई भी बेस पॉइंट लेता हूँ, उसको मूव करता हूँ, तो खाली एक लाइन मूव हो रही है। तो अगर मुझे इसको मूव करना है तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये मूव होगा। अब लेता हूँ मैं मूव कमांड और इसको मूव करता हूँ, तो अब ये मूव हो गया। बट ये वाला रेक्टेंगल मैंने पॉलीलाइन से बनाया था, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कहीं पे भी एक लाइन पे जाके, तो एक कंप्लीट सेलेक्ट होगा। उसके बाद एंटर होगा, इसको आप मूव कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहिए यहाँ पे, पहले आप कंप्लीट सेलेक्ट करें उसके बाद आप मूव करें, मूव कमांड लेंगे। तो ये फ़र्क है पॉलीलाइन और लाइन में। इसके बाद हम सर्कल की बात करते हैं, तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट, रेडियस सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल। तो अभी हम बात करते हैं सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर की। मान लें पहले सेंटर रेडियस के लिए, उसके बाद कहीं भी क्लिक करें आप इस ड्राइंग शीट पे, उसके बाद आप रेडियस डाल दें, लाइक 5 रेडियस का मुझे सर्कल चाहिए, बन गया। अगर आपको डायमीटर पता है तो डायमीटर का सिलेक्ट करें कमांड सर्कल के लिए, मुझे 10 डाय का एक सर्कल चाहिए, बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर्क की, तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, 3 पॉइंट आर्क के लिए। आपको 3 पॉइंट पता है किसी भी, लाइक ये वाला 3 पॉइंट पता है, ठीक है। तो ये हमारा एक आर्क बन गया। अगर आपको स्टार्ट सेंटर एंड पता है किसी भी उसका आर्क के लिए, तो आप इसको लें, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट। एक और बात मैं बताऊं आपको, जैसे कोई कमांड ले रहे हैं आप और आपको उसका सेंटर चाहिए, तो आपको इस पे ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना पड़ेगा सम पॉइंट को, लाइक एंड पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको चाहिए, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन एंड सो ऑन। ओके, तो आप सब ओपन करें जो भी आपको चाहिए एज योर रिक्वायरमेंट्स, और उसको ओपन करना, तो आपको मिल जाएगा इजीली। कोई भी लाइन के जो हम यहाँ से बनाए, इसके बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, रेक्टेंगल, पॉलीगन। आपको अगर सिंपल कोई रेक्टेंगल बनाना है तो पहले एक आप कॉर्नर देखें, उसके बाद वैल्यू डालें आप, मुझे 10 बाई 20 का एक रेक्टेंगल बनाना, 10, 20 बन गया। एक और बार करते हैं 10 बाई 20 का, क्लिक करें कहीं पे भी ड्राइंग शीट पे, उसके बाद 10 बाई 20 के बनाना है। सबसे पहले आप 10 रेट वो वैल्यू डालें, 10, 20 बन गया। बात करते हैं हम पॉलीगन की। पॉलीगन लें आप, कितनी साइड्स चाहिए आप पॉलीगन की, 5, 6, 7, 8। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, यू कैन पुट इट हियर। सो मुझे 5 साइड्स का एक पॉलीगन चाहिए, 5। एंटर, सेंटर दें आपको कहीं पे भी, इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब सर्कल के अंदर आपको एक वो चाहिए पॉलीगन, या फिर बाहर, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप बना सकते हैं। ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास वील डू इट सम प्रैक्टिकल वर्क। ओके, उसके बाद हम ड्राइंग बनाएंगे, सम
लाइक आप कुछ शो करता हूँ, मैं इस तरह की ड्राइंग बनाएंगे, उसमें हम डायमेंशन भी देंगे, एंगल पे कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, लाइन इस तरह की। ओके सो गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।